नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर यूर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है, इंडियन नेवी के अंदर भर्ती निकली है। टोटल 121 पोस्ट हैं और ये जो भर्ती है अलग अलग ब्रांच के लिए है और पोस्ट का नाम है SSC एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो चेक कर लेते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा दोस्तों। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए, मेल और फीमेल ज़्यादातर वैकेंसीज इसमें ऐसी हैं जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है आज से यानी कि 18 मई 2019 से भरने स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे ये डेट देखिए और इसकी लास्ट डेट रहेगी राइट साइड में है, यहाँ पे लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 29 मई 2019 तक हम अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। तो चेक कर लेते हैं पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। ये देखिए दोस्तों, अलग अलग ब्रांच हैं ये इंडियन नेवी के अंदर। एक तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर वैकेंसीज निकली हैं, टेक्निकल ब्रांच है नंबर दो पे, और नंबर थर्ड पे जो है वो है एजुकेशन ब्रांच। तो इन सभी ब्रांच के अंदर वैकेंसीज निकली हैं। तो नंबर एक पे जो ब्रांच है, जूम करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे नंबर वन पे जो है ये पोस्ट है दोस्तों, SSC नावल आर्मामेंट इंस्पेक्शन कैडर, जिसको हम बोलते हैं NAIC। तो इसके लिए जो है कैंडिडेट BTech हो या BE हो और 60% मार्क्स उसके होने चाहिए। यहाँ पे ये देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो BE या BTech 60% मार्क्स उसके होने चाहिए। और ये अलग अलग ट्रेड है दोस्तों, ये देखिए प्रोडक्शन है और इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी कि इनमें से किसी एक स्ट्रीम में जो है कैंडिडेट BTech होना चाहिए। अब टोटल वैकेंसी है इसकी 8, ये देखिए यहाँ पे, और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट जो है वो है दोस्तों एज की बात। तो एज जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जनवरी 2001 के अंदर जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो सेकंड जो पोस्ट है ये है SSC ATC के लिए, इसमें भी कंडीशन सेम है दोस्तों, कैंडिडेट BTech हो 60% मार्क्स के साथ और या फिर BE हो। तो रही बात ट्रेड की, स्ट्रीम की, ये देखिए इसके अंदर जो है अलग अलग स्ट्रीम के कैंडिडेट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, BE हो या फिर BTech हो इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम AICTE रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि किसी भी स्ट्रीम का कैंडिडेट हो BTech का वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल मिला के 4 पोस्ट हैं यहाँ पे, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और कंडीशन वही है 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2099 के बीच जो है डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए कैंडिडेट की। उसके बाद है दोस्तों SSC ऑब्जर्वर के लिए है, SSC पायलट MR के लिए है यहाँ पे, और नेक्स्ट है SSC पायलट अदर देन MR, इनके लिए भी कंडीशन बिल्कुल सेम है, कैंडिडेट BTech होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। इन सब की जो पोस्ट हैं दोस्तों, 4 पोस्ट यहाँ पे हैं, 6 हैं और 3 हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में डेट ऑफ बर्थ की कंडीशन वही है 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 1999 इसके बीच में होना चाहिए दोस्तों। और सेकंड जो है 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2001 तक होनी चाहिए कैंडिडेट की। और लास्ट की जो दो कैटेगरी हैं जिसके अंदर वैकेंसी 3 और 5 हैं, उनकी भी डेट ऑफ बर्थ सेम रहेगी। उसके बाद है नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों वो है SSC लॉजिस्टिक के लिए, कंडीशन वही है सेम, कैंडिडेट BE हो या फिर BTech हो, 60% मार्क्स होने चाहिए दोस्तों। और साथ में अगर कैंडिडेट ने MBA किया है, यानी कि MBA वाले कैंडिडेट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर कैंडिडेट MBA भी नहीं है तो BSc या BCom कैंडिडेट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए फाइनेंस या लॉजिस्टिक में, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, और साथ में 60% मार्क्स उसके होने ज़रूरी हैं। MCA या MSc IT के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन कंडीशन सेम है 60% की। इसके अंदर 14 पोस्ट हैं दोस्तों, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। रही बात डेट ऑफ बर्थ की, कंडीशन वही है 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जनवरी 2001 के अंदर डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों वो है SSC IT के लिए, ये देखिए ये कंप्यूटर की स्ट्रीम की बात है, कैंडिडेट BTech होना चाहिए दोस्तों या फिर BTech हो, 60% मार्क्स होने चाहिए कैंडिडेट के, BTech या फिर BE हो। और अगर कैंडिडेट ने किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर, स्ट्रीम जो है कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग होनी चाहिए।
अगर बीएससी कैंडिडेट ने किया है तो बीएससी आईटी होना चाहिए दोस्तों फर्स्ट क्लास के साथ। अगर एमएससी किया है तो कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी हो, 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर एमटेक किया है तो भी कंप्यूटर साइंस हो दोस्तों, 60% मार्क्स होने चाहिए। एमसीए के कैंडिडेट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ। टोटल मिला के 15 पोस्ट हैं और सिर्फ जो है मेल कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये है डेट ऑफ बर्थ की कंडीशन, यानी कि आईटी के लिए जो है कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट जो है इसके अंदर कंपलसरी है। अब बात करते हैं दोस्तों टेक्निकल ब्रांच की। ये ऊपर जो ब्रांच थी सारी ये थी एग्जीक्यूटिव ब्रांच की, अब बारी है टेक्निकल ब्रांच की। देखिए टेक्निकल ब्रांच के अंदर क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की। टेक्निकल ब्रांच के अंदर पोस्ट का ये नाम है दोस्तों एसएससी इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस जिसको हम बोलते हैं। कंडीशन बिल्कुल सेम है वही, कैंडिडेट बीटेक होना चाहिए या फिर बीई, 60% मार्क्स होने चाहिए साथ में उसके। और रही बात ट्रेड की तो ये ट्रेड यहाँ पे मेंशन है, कैंडिडेट मैकेनिकल हो या तो या फिर मेरिन के अंदर, और इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोडक्शन एरोनोटिकल्स इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वगैरह, यानी कि जितने भी ये ट्रेड्स दी हुई हैं इसमें से किसी एक ट्रेड के अंदर कैंडिडेट बीटेक होना चाहिए। और रही बात नंबर ऑफ पोस्ट की, ये 24 पोस्ट हैं, सिर्फ मेल कैंडिडेट जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये डेट ऑफ बर्थ की कंडीशन है। तो नेक्स्ट जो वैकेंसी है चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों वो है एसएससी इलेक्ट्रिकल ब्रांच की जनरल सर्विस के लिए। कैंडिडेट बीटेक हो या फिर बीई हो, 60% मार्क्स होने चाहिए। रही बात ट्रेड की, ट्रेड ये है इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन हो, और ये बाकी जो ट्रेड दे रखे हैं इनमें से किसी एक ट्रेड के अंदर जो है कैंडिडेट बीटेक होना चाहिए। टोटल मिला के 24 पोस्ट हैं यहाँ पे और मेल कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की कंडीशन वही सेम है, 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जनवरी 2001 के बीच जो है कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो यहाँ पे है, देखिए एजुकेशन ब्रांच के लिए पीसी एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर फर्स्ट क्लास होना चाहिए कैंडिडेट एमएससी, सब्जेक्ट होने चाहिए मैथ्स या फिर ऑपरेशनल रिसर्च, और बीएससी के अंदर जो है फिजिक्स उसके पास होनी चाहिए दोस्तों। अगर ये नहीं है तो एमएससी होना चाहिए फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, और बीएससी के अंदर मैथ्स ज़रूरी है दोस्तों। अगर ये भी नहीं है तो कैंडिडेट बीटेक या फिर बीई हो, और जो है ये अलग अलग ट्रेड हैं इंफॉर्मेशन साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर उसकी स्ट्रीम होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए दोस्तों। तो इसमें से किसी एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और ये अलग अलग पोस्ट हैं दोस्तों, 5, 3, 2, 2, 3 और 5, और सिर्फ मेल कैंडिडेट जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी ये होनी चाहिए एज पर रूल 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 1999 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके अंदर दोस्तों मेन बात यह है कि जो कैंडिडेट जिन्होंने बीटेक पास कर चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो कैंडिडेट फाइनल ईयर के अंदर अपीयरिंग है या जिनका रिजल्ट वेटिंग है वो कैंडिडेट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू के टाइम तक जो है आपकी डिग्री जो है कंप्लीट होनी चाहिए। अब रही बात दोस्तों फीस की, ये देखिए फीस है, एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, बाकी जो है 205 रुपये फीस है। फीस की पेमेंट आप कैसे भी करवा सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से या डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप उसकी पेमेंट करवा सकते हैं। फॉर्म जो है ऑनलाइन इसका भरा जाएगा दोस्तों, इंडियन नेवी की साइट पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टोटल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 121 पोस्ट के लिए एसएससी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।